अस्सलाम वालेकुम, हाय, दिस इज अवेस, एंड इन दिस वीडियो हम बात करने वाले हैं नेस्ट एपीसीआर के बारे में। सो एज वी नो के पीसीआर का प्रोसेस इटसेल्फ इज अ वेरी स्पेसिफिक प्रोसेस बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस, यानी कि एज वी नो के हमारे पास पीसीआर में जो प्राइमर्स होते हैं ना, यानी जो 20 to 28 बेस पेयर लॉन्ग न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है, ठीक है, वो बहुत स्पेसिफिक होता है। और इसकी जो क्यों स्पेसिफिक होता है, बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लीमेंटेशन, यानी अगर बेस पेयर से मतलब यू नो ए टी जी सी एंड यू, इफ देर इज आर एन ए, सो ए ऑलवेज पेयर्स विद डी टी इन डी एन ए एंड जी विद सी एंड वाइस वर्सा। सो ये जो ए विद टी एंड जी विद सी ऑलवेज का जो प्रोसेस है, ये स्पेसिफिकेशन को मजीद क्लियरिफाई करता है। लेकिन कुछ इस तरह के जीन्स होते हैं, कुछ इस तरह के डीएनए टेम्पलेट होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, यानी उसकी पीसीआर को प्रोसेस करने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है, बिकॉज ऑफ द कंटामिनेशन, बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट, बिकॉज ऑफ द हीट सेंसिटिविटी, बिकॉज ऑफ द पीएच सेंसिटिविटी, यानी बहुत सारे इस तरह के फैक्टर्स होते हैं जो कि उस पर्टिकुलर डीएनए टेम्पलेट की पीसीआर को बहुत मुश्किल बना देते हैं। यानी उसमें कंटामिनेशन का बहुत खतरा होता है, उसमें म्यूटेशन का बहुत खतरा होता है। सो उस वक्त जब हम लोग को इस तरह के जीन का, इस तरह के डीएनए टेम्पलेट को हम लोगों ने पीसीआर करना होता है जो कि बहुत ही सेंसिटिव हो, बहुत ही कंटामिनेटिंग हो, बहुत ही म्यूटेटिंग हो, तो उसके लिए हम लोग नेस्टेड पीसीआर को यूज़ करते हैं। सो नेस्ट मीन्स घोंसला, लाइक जिस तरह से घोंसले के अंदर जो परिंदे होते हैं अपने बच्चों को महफूज रखते हैं बाकी सबसे, यानी पूरी जो शिकारी होते हैं या धूप वगैरह, मतलब ऑल ऑफ द एनवायरमेंटल फैक्टर्स विच कैन हार्म इट, सो वो उनको थोड़ा सा सेफ रखते हैं इन नेस्ट। तो इसी तरह से हम लोग नेस्टेड पीसीआर के कॉन्सेप्ट के मुताबिक हम लोग जो हमारा सेंसिटिव जीन होता है, जिस तरह से यहाँ पर ये सेंसिटिव लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब जो चूजा होता है, जो चेक होता है, वो उसको क्या कहते हैं, सेफ रखते हैं पूरे एनवायरनमेंट से, ठीक है। इसी तरह से हम लोग अपना सेंसिटिव जीन सेफ रखते हैं विद इन नेस्ट। सो किस तरह से वो होता है, शुड बी रिमेंबर, नेस्टेड पीसीआर हम लोग कब यूज़ करते हैं, व्हेन डीएनए टेम्पलेट जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, ठीक है, मोर चांस ऑफ कंटामिनेशन, ठीक है, यानी कंटामिनेशन कहते हैं किसी भी किस्म की मिलावट के, या तो फिर उस जीन के बजाय किसी और जीन को का एम्पलीफाई हो जाना, यानी कंटामिनेशन इज़ अ बहुत ही डाइवर्स काइंड ऑफ टर्म, ठीक है। सो इसमें कंटामिनेशन हमारे पास जीन शफल हो जाते हैं, यानी कि जो आपका डीएनए टेम्पलेट है वो किसी दूसरे जीन के साथ शफल हो जाता है, क्या होता है, शफल्स विद एन आउटसाइड जीन, यानी कोई मतलब वर्किंग के दौरान, हैंडलिंग के दौरान कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई वायरस या कोई और दूसरा एंटिटी जो कि जेनेटिक मटेरियल अपने अंदर, उसके अंदर हो, यानी जेनेटिक मटेरियल, वो आपकी वर्किंग टेस्ट ट्यूब के अंदर एंटर हो गया और उसने फिर आपके जो पीसीआर था उसको कॉन्टामिनेट कर दिया। सो मोर चांस ऑफ कॉन्टामिनेशन, इसके अलावा इजीली म्यूटेटेबल, यानी मोर चांस ऑफ म्यूटेशन। म्यूटेशन आई थिंक आपको पता होगा, सडन चेंज इन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल ये इस तरह का जीन है तो मतलब एक रेडिएशन आई लाइक दैट, ठीक है, और उसने यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके निकाल दिया, और जब वहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट हुई तो कोई दूसरा कंपाउंड जिसको, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, फॉर एग्जांपल कोई बेस हो गई, तो वो यहाँ पर आके अटैच हो गई और ये पूरा का पूरा सीक्वेंस जो है वो म्यूटेट हो गया। सो दीज आर द थ्री इंपॉर्टेंट फैक्टर वेयर वी विल मोस्टली यूज अवर नेस्टेड पीसीआर। सो नाउ लेट अस फोकस ऑन के हाउ नेस्टेड पीसीआर इज एक्चुअली परफॉर्म्ड। सो नाउ लेट अस टॉक ऑन के जो नेस्टेड पीसीआर का प्रोसेस है वो एक्चुअली किस तरह से परफॉर्म किया जाता है। सो एज वी नो के नेस्टेड पीसीआर इज अ वेरी स्पेसिफिक काइंड ऑफ पीसीआर, एक्चुअली वेरी वेरी स्पेसिफिक काइंड ऑफ पीसीआर कहना चाहिए, बिकॉज जो नॉर्मल पीसीआर भी होता है वो भी स्पेसिफिक होता है। व्हाई? बिकॉज एज वी नो के पीसीआर हमारे पास एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है जिसको हम लोग प्राइमर्स कहते हैं, एंड मैंने पहले भी बात की कि प्राइमर्स क्या होता है, शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड अबाउट 20 to 28 बेस पेयर्स लॉन्ग, ठीक है, और वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके अटैच होता है। वो कहाँ अटैच होता है, जहाँ पर उसकी कॉम्प्लीमेंटेशन मौजूद होती है, यानी फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर सीक्वेंस है ए टी टी ए, तो ये वहीं अटैच होगा जहाँ पर सीक्वेंस क्या होगा, टी ए ए और टी, राइट। सो एज वी नो के जो प्राइमर्स होते हैं वो बहुत स्पेसिफिक होते हैं, सो हम लोगों ने इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने नेस्टेड पीसीआर को मजीद स्पेसिफिक कर दिया। सो वन प्राइमर मीन्स स्पेसिफिक, मोर देन वन प्राइमर मीन्स मोर स्पेसिफिक, सही है, आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट। मतलब पहले पीसीआर में सिर्फ प्राइमर थे, मतलब दो प्राइमर थे, एक फॉरवर्ड था एक रिवर्स था, यानी एक सेट ऑफ प्राइमर्स थे, तो स्पेसिफिकेशन वेरी थी, यानी वेरी, इट वाज वेरी स्पेसिफिक। लेकिन जब हम लोग प्राइमर्स की पेयर की तादाद को डबल कर देंगे, सो इट विल बी वेरी वेरी स्पेसिफिक। तो यानी नेस्टेड पीसीआर भी इसी तरह होता है। हमारे पास यहाँ पर ओवरऑल पीसीआर के दो प्रोसेस होते हैं, टू पीसीआर, ठीक है, और यहाँ पर ओवरऑल हमारे पास टू सेट्स ऑफ प्राइमर्स होते हैं, कितने, टू, यानी यू नो एक पीसीआर में हमारे पास दो प्राइमर्स होते हैं, एक फॉरवर्ड और एक रिवर्स, लेकिन यहाँ पर हमारे पास दो पीसीआर हैं। सो एक सेट, यानी एक सेट में कितने प्राइमर होते हैं, दो, सो यहाँ पर दो सेट हैं, तो ओवरऑल कितने प्राइमर्स हो गए, फोर प्राइमर्स। पीसीआर कितने, दो, एक पीसीआर, दूसरा पीसीआर, सो ये जो चार प्राइमर्स हैं इनमें से दो यहाँ जाएंगे और दो यहाँ जाएंगे, जो कि होता है, यानी फॉरवर्ड एंड रिवर्स, यानी एक सेट यहाँ जाएगा इस पीसीआर के साथ, पीसीआर वन के साथ, और एक पीसीआर टू के साथ जाएगा। ये प्राइमर्स हैं, दिस आर नॉट विद दैट, ठीक है। सो मैं यहाँ पर एक डीएनए टेम्पलेट ड्रॉ करने जा रहा हूँ,
सो देर इज दैट. सॉरी इट विल टेक अ लिटिल ऑफ टाइम बट इंशाल्लाह एट द एंड यू विल अंडरस्टैंड अबाउट ऑल द प्रोसेस. नाउ दिस इज अवर ओवरऑल डीएनए टेम्पलेट एंड शुड बी रिमेंबर दिस इन रेड, यानी ये जो रेड कलर में आपको नजर आ रही है ये हमारी वो मेन डीएनए टेम्पलेट है या फिर सेंसिटिव वाली. ठीक है, और ये जो ग्रीन कलर में आपको नजर आ रही है दिस वन, दिस इज अवर सिलेक्टिव डीएनए टेम्पलेट. ठीक है, यानी ये वो नेस्ट है, ये जो ग्रीन कलर में आप देख रहे हैं ना ये वो नेस्ट है, और ये जो रेड कलर में आप देख रहे हैं ये वो सेंसिटिव जीन है, ये वो सेंसिटिव डीएनए टेम्पलेट है जिसको कॉन्टेमिनेशन के चांसेस ज़्यादा हैं. तो हम लोग देखते हैं कि किस तरह से ये जो हम लोग के पास ये जो मेन डीएनए टेम्पलेट है ये किस तरह से इस नेस्ट में कैरी होती है और किस तरह से ये बहुत हाईली स्पेसिफिक तरीके से जाके हमारे पास इसकी बहुत सारी कॉपीज बनती है. सो इस मीनो के नेस्टेड पीसीआर में कितने पीसीआर होते हैं टोटल? ओवरऑल 2 PCRs. ठीक है, सो हम लोग PCR 1 को कैरी करते हैं, PCR 1. ठीक है, नाउ मैं यहाँ पर इस जीन को दोबारा ले लेता हूँ. ठीक है, राइट है देयर. अगर लेंथ में कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो माजर, बिकॉज मेरी मेजरमेंट थोड़ी सी ठीक नहीं है. राइट, दिस इज अवर PCR 1's डीएनए टेम्पलेट. ठीक है, तो क्या होता है यू नो हमें पता है फर्स्ट स्टेप इज डीनेचुरेशन, यानी ये जो डबल स्टैंड, अच्छा मैंने यहाँ पर सिंगल लाइन लगाई है लेकिन एक्चुअल में ये डबल स्टैंडर्ड होती है. लाइक यहाँ पर भी इसकी लाइक मैं बना ही देता हूँ, खैर कोई बात नहीं, सॉरी अबाउट टाइम लेगे, आई होप सो कि आप समझ रहे होंगे. ठीक है, दैट्स इट विद दैट एंड यूज के हाइड्रोजन बॉन्ड्स. सो अच्छा फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारे पास? डीनेचुरेशन. वेरी गुड, सो हम लोगों ने इसको फर्स्ट स्टेप में डीनेचर कर दिया. ये हमारी मेन जी. सो हमने क्या किया यहाँ पर? डीनेचर कर दिया, यानी जो दो मिली हुई डीएनए स्ट्रैंड्स थी उसको सेपरेट कर दिया बाय गिविंग देम हीट. नाउ हमारे पास कितने सेट्स हैं प्राइमर्स के? 2 सेट्स. ठीक है, एक PCR 1 के साथ जाएगा. सो प्राइमर्स, प्राइमर सेट 1, यानी प्राइमर ए, यानी एक प्राइमर इस सेट का, यानी एक सेट में दो प्राइमर होते हैं ना, एक प्राइमर ए एंड दूसरा प्राइमर बी, यानी दिस इज अवर प्राइमर ए एंड दिस इज अवर प्राइमर बी. अच्छा यहाँ पर हमारे पास एनीलिंग हो गई, यहाँ पर ये लोग आके इन लोगों ने हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना दी. इसके बाद क्या होता है? या वेरी गुड, इसके बाद हमारे टेक पॉलीमरेज आते हैं और इस पूरी स्टैंड को कंप्लीट कर देते हैं, यानी जब PCR 1 एंड होगा तो हमारे पास कुछ फाइनल रिजल्ट्स इस तरह से होंगे. दिस 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 एंड दिस इज अवर मेन डीएनए टेम्पलेट एंड ये आ गई हमारी हाइड्रोजन बॉन्ड्स. राइट नाउ PCR 1 जब एंड होता है तो हमारे पास इस तरह की बहुत सारी कॉपीज होती हैं. वैसे हमें चाहिए एक, लेकिन बिकॉज ऑफ द रूल ऑफ PCR के बहुत सारी कॉपीज बनती हैं बिकॉज ऑफ द टेक पॉलीमरेज, तो हमारे साथ इस तरह हमारे पास इस तरह की बहुत सारी कॉपीज आ जाती हैं. ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि उन बहुत सारी कॉपीज में से किसी एक को लेते हैं बहुत ही स्पेसिफिक तरीके से और बहुत ही कंजर्व तरीके से, बिकॉज ये जो प्रोसेस होता है इस PCR 1 से सैम्पलिंग को PCR 2 में कन्वर्ट करने का, इस पॉइंट पे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि कॉन्टेमिनेशन हो जाए या टेम्परेचर की वेरिएशन की वजह से ओवरऑल आपका जो प्रोडक्ट है, यानी जो PCR 1 का प्रोडक्ट है, यानी जो PCR 2 का जो डीएनए टेम्पलेट है मेन, ठीक है, वो क्या पता आपका डिस्टर्ब हो जाए. सो हम लोग बहुत एहतियात के साथ हम लोग ये PCR 1 का सैंपल जो है वो लेके जाते हैं. ठीक है, सो अब बात करते हैं कि PCR 2 में क्या होता है. सो यहाँ पर हमारे पास PCR 2 हम लोग अब कैरी करने जा रहे हैं. सो दिस इज द PCR 1's प्रोडक्ट, यानी PCR 1 में हमारे पास ये नेस्टेड जीन हमारे पास एम्पलीफाई हुआ था. हमारा मेन जीन कौन सा है? ये वाला, ये वो जीन है जो कि इस जीन को सेफ रख रहा है एज अ इन द फॉर्म ऑफ नेस्ट. ठीक है, सो हम लोग अब PCR 2 के प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं. तो हमें एक और बात पता है कि हमारे पास ओवरऑल कितने प्राइमर, कितने सेट्स ऑफ प्राइमर्स थे? 2. पहला सेट ऑफ प्राइमर हम लोगों ने PCR 1 में यूज़ कर दिया. अब हम लोग बात करेंगे प्राइमर्स नंबर 2, यानी इसमें से एक होगा प्राइमर नंबर सी, यानी पी सी एन पी डी. सो वही होगा जो नॉर्मल PCR में होता है कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऑफ कोर्स डीनेचुरेशन. सो यहाँ पर हम लोग डीनेचुरेशन कर दी. यानी कि जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए के हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, हम लोग उसको बाय द हेल्प ऑफ हीट डिस्टर्ब कर देंगे, यानी तोड़ देंगे, और हमारे पास यहाँ पर ये सेपरेट हो जाएंगे इस तरह से. ठीक है, सो हमारे पास ये रहा PC और PD. ठीक है, सो यू नो एनीलिंग में क्या होता है, प्राइमर्स आके अटैच होते हैं. सो ये रहे आपके प्राइमर PC PD, और यहाँ पर फिर टैग पॉलीमरेज आएंगे. ठीक है, यहाँ पर अटैच होंगे और फिर ये रिमेनिंग स्ट्रैंड को इस तरह से
कंप्लीट कर देंगे और देन आपके पास जो ओवरऑल आपका फाइनल प्रोडक्ट आएगा वो होगा आपका मेन जीन एंड फिर यहाँ पर ऑफकोर्स हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे। सो एज वी सो दैट किस तरह से हम लोगों ने दो पीसीआर की मदद से एक सेंसिटिव जीन को नेस्ट की फॉर्म में यानी ये नेस्टेड जीन के अंदर हम लोग उसको पहले लेके आए, ठीक है, पहले हम लोगों ने नेस्टेड जीन का पीसीआर किया, उसको एम्पलीफाई किया और फिर वहाँ से हम लोगों ने बहुत एहतियात से एक सैंपल लिया और उसको हम लोगों ने फिर जो पीसीआर नंबर सेकंड था यानी जो एक्चुअल डीएनए टेम्पलेट का पीसीआर था उसको हम लोग लेके गए और इस तरह से इसकी बहुत सारी कॉपीज बना ली। सो दैट्स इट विद द नेस्टेड पीसीआर। आई होप सो कि आपको ये नेस्टेड पीसीआर समझ आएगा। लेट मी रिपीट दैट कि किस तरह से हम लोगों ने उसको उसकी जो स्पेसिफिकेशन है उसको बढ़ा दी। शुड बी रिमेंबर जितनी भी हमारे यहाँ पर ये नेस्टेड पीसीआर की जो स्पेसिफिकेशन का कॉन्सेप्ट है वो इन प्राइमर्स के इर्द-गिर्द घूमता है, ठीक है। प्राइमर्स आर सिलेक्टिव ना, सो अच्छा क्यों सिलेक्टिव? बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस। दे ऑलवेज पेयर विद देयर रिस्पेक्टिव नाइट्रोजीनियस बेस, मींस ए होगा तो वो टी के साथ अटैच होगा, टी होगा तो ए के साथ अटैच होगा, जी होगा तो वो सी के साथ होगा, सी होगा तो जी के साथ होगा। इस तरह से ये प्राइमर्स होते हैं विच आर 22-28 बेस पेयर्स लॉन्ग, ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, मतलब एक मैं नॉर्मल आपको सेट बता रहा हूँ, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर अटैच होंगे, उसी पॉइंट को एम्पलीफाई करेंगे जहाँ उनकी कॉम्प्लीमेंटेशन मौजूद होगी। इस तरह हम लोगों ने दो कॉम्प्लीमेंटेशन यूज़ की ताकि हमारे पास जो हमारा प्रोडक्ट हो वो मोर स्पेसिफिक हो। अगर वो सेंसिटिव है तो इन द फॉर्म ऑफ नेस्ट हम लोगों ने उसको कंजर्व रखा और फाइनली में हम लोगों ने इसकी बहुत सारी कॉपीज बना दी, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ कॉपीज, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ कॉपीज। That's it with the nested PCR. I hope so you may understand the video, you may understand the basic concept, you may understand what is actually nested PCR. And if you like this video, so please share it with your friends or anyone discuss video. Thank you so much for watching this video. Goodbye.